Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss chapter 10, that is Integrated Pest Management IPM, from the book Fundamentals of Agriculture, Arun Kathan, volume 2. And today this is the part 5th of this video lecture. If you missed any part of this video lecture series, then you can simply watch the channel playlist and you get all the chapters in a systematic manner and you can watch it. So in today's part we are going to discuss very important topic, that is varietal control. Genetic control means how we use some resistant varieties and genetic control method to control the population of insect pests particularly, as well as we also study about IGR, that is insect growth regulators, pheromones, attractants and repellents. All these we are going to cover in this particular session. So let's get start. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज विच कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बंचेट ऑफ डिसीज ऑफ बनाना इन इंडिया इन 1940 यानी 1940 के टाइम पे जो हमारी बनाना फ्रूट क्रॉप होता है उसमें डिसीज़ लगती है बंचेट ऑफ ये जो डिसीज़ है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है किस कंट्री से एंड यू हैव ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया मेक्सिको हॉलैंड श्रीलंका सो If you know the right answer, then do comment in the comment section. Here our first topic is varietal control. So what is the meaning of varietal control? In varietal control, the meaning is using some resistant varieties. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हम resistant varieties का use करते हैं Different crops की resistant varieties available होती हैं उनमें क्या होता है रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट सम इंसेक्ट पेस्ट या फिर किसी डिसीज़ के लिए तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो इंसेक्ट पेस्ट की करेंगे ठीक है तो वराइटल कंट्रोल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमको डिफरेंट रेजिस्टेंट वराइटीज़ का यूज़ करना है विच आर हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट पेस्ट में हम यहाँ पर इंसेक्ट और डिसीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं लाइक गॉल मिर्च ब्राउन प्लांट हॉपर ऑफ राइस बॉरर एंड स्केल्स ऑफ शुगर केन वीट रस्ट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कोर्स ग्रेन में जैसे हमारे सॉर्गम इस टाइप के क्रॉप्स आ गए पल्स वायरस जो होते हैं मोज़ेक वायरस इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ग्रोइंग और कल्टिवेटिंग सम रेजिस्टेंट वराइटीज़ ओके अब रेजिस्टेंट वराइटीज़ के क्या फीचर्स होते हैं वॉट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज़ तो हम रेजिस्टेंट वराइटीज़ इसलिए यूज़ करते हैं फॉर द फर्स्ट क्वालिटी दे आर हैविंग इज दे आर हाई ईल्डिंग जनरली रेजिस्टेंट वराइटीज़ जो होती हैं वो हाई ईल्डिंग होती हैं हाई ईल्डिंग के साथ साथ वो पेस्ट रेजिस्टेंस भी रखती हैं तो ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी रेजिस्टेंट वराइटीज़ का तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ रेजिस्टेंट वराइटीज़ और वी आर मोर फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग रेजिस्टेंट वराइटीज़ ऑफ क्रॉप अब ये जो पूरा चैप्टर है आई मीन ये जो पूरा टॉपिक है पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट वराइटीज़ का यहाँ पर हमको जो पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है रेजिस्टेंट वराइटीज़ फॉर डिफरेंट पेस्ट और डिफरेंट पेस्ट में जो हमको रेजिस्टेंट वराइटीज़ के लिए बात करनी है वो हमें बात करनी है जो हमारे पेस्ट हैं एक हमको बात करनी है यहाँ पे इंसेक्ट की और एक डिसीज़ की तो आप अपने नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप नोट कर सकते हो वराइटल कंट्रोल में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वराइटल कंट्रोल फॉर इंसेक्ट पेस्ट यानी जिसमें हमारे इंसेक्ट्स आते हैं एंड वराइटल कंट्रोल फॉर डिसीज़ पेस्ट जिसमें हमारे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक फंगस बैक्टीरिया एंड ऑल तो जो हम पहले कैटेगरी पढ़ेंगे इंसेक्ट की पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे हम ऐसी वराइटीज़ यूज़ करेंगे जो इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं और एक जनरल कैटेगरीज जो है जनरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो होता है इंसेक्ट के केस में वो टोटल चार प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं यानी इन वराइटल कंट्रोल अगर हम बात करें वराइटल कंट्रोल इंसेक्ट के केस में तो चार ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं चार ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं दैट इज़ सबसे पहले आता है हमारा टॉलरेंस देन आफ्टर दैट आता है हमारा अवॉइडेंस ठीक है सबसे पहले प्लांट क्या कर देगा टॉलरेट करेगा जो भी इंसेक्ट प्लांट पे अटैक करता है तो प्लांट उसको टॉलरेट करेगा जब एक लिमिट के बाद टॉलरेट नहीं होगा तो उसके बाद प्लांट क्या करता है उसको अवॉइड करना स्टार्ट करेगा ठीक है जो भी इंसेक्ट डैमेज करेगा उसको अवॉइड करेगा तो सबसे पहले टॉलरेंस होता है फिर अवॉइडेंस होगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आते हैं एंटीजिनोसिस और दूसरा आता है हमारा लास्ट एंटीबायोसिस ठीक है एंटीजिनोसिस एंड एंटीबायोसिस अब ये जो एंटीजिनोसिस होता है इसके और भी नाम होते हैं एंटीजिनोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें
इंसेक्ट जो होता है पर्टिकुलर प्लांट को एक्सेप्ट नहीं करता या उसको प्रेफर नहीं करता, दैट इज़ वाई एंटी जिनोसिस को हम एंटी प्रेफरेंस या फिर एंटी नॉन प्रेफरेंस या फिर नॉन एक्सेप्टेंस भी नाम दिया गया है एंटी जिनोसिस का, ठीक है। इन चारों के बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी जिसमें हमको डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, डिसीज़ के वाइटल कंट्रोल में बेसिकली जो प्रिंसिपल्स आते हैं वो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। इंसेक्ट के केस में चार होते हैं, टॉलरेंस अवॉइडेंस एंटीबायोसिस एंटी जिनोसिस। लेकिन डिसीज़ के केस में सिर्फ तीन फंक्शंस होते हैं, तीन ग्रुप्स होते हैं डिसीज़ के केस में। डिसीज़ के केस में एक होता है हमारा स्यूडो रेजिस्टेंस, ठीक है। स्यूडो रेजिस्टेंस को हम डिसीज एस्केप भी बोलते हैं, डिसीज से बच जाना, डिसीज एस्केप या फिर स्यूडो रेजिस्टेंस, क्योंकि एक तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्यूडो रेजिस्टेंस नाम दिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स रेजिस्टेंस। दूसरी कैटेगरी में आता है हमारा रेजिस्टेंस, और लास्ट कैटेगरी आती है हमारी इम्यूनिटी। अब ये जो रेजिस्टेंस की कैटेगरी है ये भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस के भी दो टाइप्स हमको पढ़ने हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल रेजिस्टेंस, एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा जो ओवरऑल है वेराइटल कंट्रोल में हमको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हमको स्टार्ट करना है सबसे पहले इंसेक्ट से, यानी इंसेक्ट के लिए जो हमारी चार कैटेगरीज हैं उनसे। तो वराइटल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, तो अभी हम किसकी बात करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट की बात करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट के केस में जो वराइटल कंट्रोल है उसके टोटल चार ग्रुप्स होते हैं, चार कैटेगरीज होती हैं। तो ये चार के नाम यहाँ लिखे हैं, टॉलरेंस होता है, अवॉइडेंस होता है, नॉन प्रेफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एंटी जीनोसिस नाम दिया गया है, ठीक है। नॉन प्रेफरेंस, नॉन एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, और एंटी जीनोसिस, और लास्ट कैटेगरी है एंटीबायोसिस। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ टॉलरेंस द होस्ट प्लांट इज अटैक्ड बाय पेस्ट बट देयर इज अ लिटिल और नो लॉस इन द बायोमास प्रोडक्टिविटी और द ईल्ड। टॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जब प्लांट में पर्टिकुलर इंसेक्ट अटैक तो करता है लेकिन प्लांट को एज सच लॉस फेस नहीं करना पड़ता, लॉस इन केस ऑफ बायोमास प्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं ईल्ड प्लांट की। सपोज हम राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो राइस में जो मेन ईल्ड होती है, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर जो राइस का जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, बायोमास को हम ईल्ड बोलते हैं, तो उसकी ईल्ड में एज सच बहुत ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिला, बहुत ही लिटिल लॉस हुआ है, वो तो बियरेबल होता है। तो अगर बहुत लॉस कम हो रहा है, बियरेबल लॉस है, तो उसको इसको हम बोलेंगे, उस कंडीशन का नाम है टॉलरेंस, यानी प्लांट ने इंसेक्ट के अटैक को टॉलरेट करा था, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। एंड टॉलरेंस इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, एंड द ग्रोथ कैपेसिटी इज़ अफेक्टेड मेनली बाय द फेवरेबल कंडीशंस। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ कंडीशन है वो कैसी है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि प्लांट अपने आप को कैसे ग्रो कर रहा है, किस कंडीशन में ग्रो करता है, फेवरेबल कंडीशंस है नहीं है, मेनली इन सब चीज़ों से हम प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको मेज़र कर सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है। प्लांट की ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब उसमें टॉलरेंस लेवल भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो टॉलरेंस होता है, जितनी भी हमारी दो तरह की वैराइटीज़ होती है, एक होती है हमारी टॉलरेंट वैराइटीज़, एक होती है हमारी ससेप्टेबल वैराइटीज़, ठीक है। टॉलरेंट वैराइटीज़ में क्या होता है कि जो लॉस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन ससेप्टेबल वैराइटीज़ का नाम क्या है, ससेप्टेबल वैराइटीज़ नाम से समझ में आ रहा है, ससेप्टेबल वैराइटीज़ वो होती हैं जो आसानी से किसी भी इंसेक्ट पेस्ट से अटैक हो जाती हैं, यानी कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो उस वैराइटी में अटैक करना चाहता है तो वो आसानी से वो जो क्रॉप है वो वाली वैराइटी जो है वो ईजिली डैमेज हो जाएगी, ईजिली उसमें लॉस होने लगेंगे, तो वो होती है हमारी ससेप्टेबल वैराइटीज़। जबकि टॉलरेंट वैराइटीज़ में लॉस बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो देखा जाता है कि जो टॉलरेंट वैराइटीज़ होती हैं अगर बाय चांस उनमें डिसीज अटैक, आई मीन जो पेस्ट है वो अटैक कर भी देता है, तो उसमें उनकी रिकवरी ज़्यादा होती है, तो रिकवरी रेट उनमें ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन जो ससेप्टेबल वैराइटीज़ हैं उनका रिकवरी रेट कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है, दैट इज़ इन जनरली इट इज़ फाउंड दैट द अटैक ऑफ शूट फ्लाई स्टेम बोरर कट वॉर्म इन द जर्मिनेशन स्टेट एग्रीगेट्स देयर ग्रोथ, ठीक है। तो होता क्या है, अगर ये सारे इंसेक्ट ने, शूट फ्लाई ने, स्टेम बोरर ने, कट वॉर्म ने इनिशियल जर्मिनेशन की स्टेज में अगर अटैक कर देता है तो स्टार्टिंग में ही जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो
एग्रवेट्स यानी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, यानी रुक जाती है, स्टॉप होने लग जाएगी। द टॉलरेंस मे बी ड्यू द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू सफर लेस डैमेज बाय द पास्ट एग्जाम्पल एफर्ट्स इन शुगर केन। एफर्ट्स इन शुगर बीट एंड ब्रैसिका ग्रीन बग्स इन सीरियल्स। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अगर हमारा होस्ट, होस्ट का मतलब कौन है, जो हमारा मेन क्रॉप है, ये हमारी सपोज मेन क्रॉप लग रही है शुगर केन की और इसमें हमारा अटैक करेगा इंसेक्ट एफर्ट्स, ठीक है, सॉरी शुगर बीट, ठीक है, तो ये हमारा शुगर बीट है, ठीक है, ये हमारा शुगर बीट का क्रॉप है और इसमें इंसेक्ट अटैक करेगा, तो ये इंसेक्ट है और ये उसका होस्ट प्लांट हो गया। तो अगर होस्ट में इतना एबिलिटी है कि वो डैमेज को जो होने वाला इंसेक्ट के द्वारा होने वाला डैमेज है उससे अगर कम सफ़र हो, यानी अपने अंदर डैमेज कम कॉज करे, यानी इंसेक्ट को जो डैमेज करना है उसको कम दिखाए या फिर कम सफ़र करे, दैट उस एबिलिटी की वजह से हमारा जो होस्ट प्लांट होता है उसमें एक एबिलिटी डेवलप होती है, उसी एबिलिटी का नाम है टॉलरेंस। तो सिंपली टॉलरेंस का क्या केस है, टॉलरेंस का मतलब एक ऐसी कंडीशन जब इंसेक्ट अटैक तो करे प्लांट में लेकिन प्लांट की यील्ड में उसका लॉस बहुत कम हो, यानी यील्ड की तरह जो भी लॉस होता है या पर्टिकुलर जो डैमेज होते हैं वो कम हो। डैमेज अगर हो भी रहे तो रिकवरी रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए ससेप्टेबल वेराइटीज़ के साथ कंपेयर करें तो। इसलिए अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ अवॉइडेंस, ठीक है। पहले प्लांट टॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट करने के बाद अगर बात नहीं बनती तो प्लांट्स में दूसरा मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ द अवॉइडेंस। अब अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। बेसिकली जो अवॉइडेंस होता है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी, उनके आधार पे हम अवॉइडेंस जो है वो वाला मेथड फॉलो होता है। पेस्ट अवॉइडेंस का मतलब सिंपल ये है कि हमें डिसीज़ को स्केप करना है, जो भी इंसेक्ट का अटैक होगा उस चीज़ को हमको स्केप करना है, यानी उस चीज़ से स्केप करना माने बचना। तो पेस्ट अवॉइडेंस रिफर्स टू द फ्रीडम ऑफ ससेप्टेबल होस्ट वराइटीज़ फ्रॉम द पेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई ऐसी वैरायटी लेके नहीं आएंगे जिसमें टॉलरेंस हो, यहाँ पे हम अपनी वही ससेप्टेबल वैरायटीज़ का यूज़ करेंगे, यानी जिनमें शंका रहती है कि हाँ बीमारी होगी अटैक होगा, ऐसी वाली वैरायटीज़ जो होती हैं ससेप्टेबल वैरायटी होती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ससेप्टेबल वैरायटीज़ को ही ग्रो करेंगे लेकिन हम उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन का मतलब है या तो हम उनको क्या करेंगे जल्दी ग्रो कर लेंगे ताकि जब डिसीज़ आने वाली हो वो उससे पहले हार्वेस्ट हो जाए। तो ये जो फॉलो, ये जो हम तरीका फॉलो करेंगे इस मेथड को हम बोलेंगे अवॉइडेंस मेथड, यानी हम जो कंडीशन आने वाली है अटैक की उसको स्केप करेंगे। तो स्केप करना यानी अवॉइड करना। अवॉइडेंस में भी रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। इसके अलावा हम कौन सी वैराइटीज़ यूज़ करें, तो यहाँ पे अर्ली वैराइटीज़ यूज़ करेंगे, अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़। चेंज द डेट ऑफ सोइंग, यानी चेंज द डेट ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग और सोइंग की डेट को हम चेंज कर सकते हैं, साइट ऑफ प्लांटिंग चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं, रूट स्टॉक हम जनरली यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स के लिए। बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ एनपीके, कंट्रोल पेस्ट कैरियर्स, तो पेस्ट कैरियर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय यूजिंग नेट, ठीक है, नेट का यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैरियर्स जनरली कौन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम अवॉइडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली चेंज द डेट ऑफ प्लांटिंग की, यानी अगर हम प्लांटिंग की डेट को चेंज कर दें, अर्ली सोइंग या लेट सोइंग, यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। अर्ली सोइंग का केस बन जाएगा जब हम चीज़ों को अर्ली टाइम से पहले सो कर दें, और लेट सोइंग वाला केस आता है। अर्ली सोइंग के लिए हमारे पास एग्जांपल्स, हमने जो इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कल्चरल मेथड, सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट हेडिंग जो थी आपकी ए हेडिंग वो कल्चरल मेथड के ऊपर थी, किस तरह से हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई करके हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कल्चरल मेथड में हमने पढ़ा था चेंज द डेट ऑफ सोइंग या चेंज द डेट ऑफ प्लांटिंग। हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा था मस्टर्ड का, सरसों का। तो मस्टर्ड की अगर हम पहले सोइंग कर लें, अर्ली सोइंग करें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अटैक ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। याद रखना मस्टर्ड यानी सरसों को अगर हम अर्ली सोइंग कर देते हैं, जल्दी सोइंग करेंगे तो हम एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक पढ़ा था, एक एग्जाम्पल और था ग्राम, चना जो होता है, जो ग्राम होता है चना, उसकी भी अगर हम अर्ली सोइंग करें तो हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल हेलियोथिस, हेलियोथिस इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे अर्ली के एग्जाम्पल थे। अगर हम बात करें लेट सोइंग की, तो लेट सोइंग का एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ग्राउंड नट,
ठीक है, मूंगफली रैकिस हाइपोजिया का साइंटिफिक नेम है। ग्राउंडनट की अगर हम देर में सोइंग करें तो वी कैन कंट्रोल द अटैक ऑफ वाइट ग्रब, तो हम वाइट ग्रब के अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इंसेक्ट अटैक होगा या डिसीज अटैक होगा उसको स्केप कर सकते हैं, वी कैन डू स्केप, उससे बच सकते हैं। और इसी मेथड को हमने नाम दिया अवॉइडेंस। तो ये हमारा अवॉइडेंस का मेथड था। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल्स है कि अर्ली मेच्योरिंग वैराइटीज ऑफ कॉटन, कॉटन की अगर अर्ली मेच्योर वैराइटीज़ का यूज़ करें तो वी कैन अवॉइड द इन्फेस्ट्रेशन ऑफ पिंक बॉल वॉर्म, ठीक है, बहुत ही फेमस कॉटन पेस्ट, इससे बच सकते हैं। इस तरह मस्टर्ड की अर्ली स्विंग से हम एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दी आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मेथड अवॉइडेंस। थर्ड कैटेगरी दैट इज़ द नॉन प्रेफरेंस। नॉन प्रेफरेंस के कई नाम होते हैं, इसी नॉन प्रेफरेंस को हम नॉन एक्सेप्टेंस नाम से भी जानते हैं, एंटी जेनोसिस भी इसी को बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं, यानी ऐसे बना देते हैं कि इंसेक्ट उसके ऊपर आए ना, इंसेक्ट उसको प्रेफर ही ना करे, दैट इज़ वाई इसको हम नॉन प्रेफरेंस बोलते हैं, या फिर इंसेक्ट उस पर्टिकुलर प्लांट को एक्सेप्ट ना करे, दैट इज़ नॉन एक्सेप्टेंस। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बाय चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देंगे, जैसे प्लांट नॉर्मली दिखते हैं वो वैसे ना दिख के अपनी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस करेंगे। मॉर्फोलॉजीज में लाइक वी कैन से उनका स्टेम कुछ अलग हो जाएगा, उनकी लीव्स कुछ अलग से दिखने लगेंगी, तो ये होती है मॉर्फोलॉजी में चेंजेस। एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सॉर्गम, हम सॉर्गम की बात करते हैं, सॉर्गम जो होती है क्रॉप होती है, वी ऑल नो, ठीक है। तो सॉर्गम में क्या होता है कि जनरली अटैक होता है एक इंसेक्ट का, दैट इज़ प्लांट हॉपर। सॉर्गम में प्लांट हॉपर का अटैक होता है, लेकिन सॉर्गम ने अपने मॉर्फोलॉजी में अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करे, लाइक जो सॉर्गम की लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लीव्स जो होती हैं सॉर्गम की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई, टाइट हो गई। तो इसके कारण क्या था, अब प्लांट हॉपर का अटैक नहीं होने लगा, कम होगा, क्योंकि प्लांट हॉपर अब प्रेफर ही नहीं कर रहा। प्लांट हॉपर को चाहिए कि लीव्स एकदम स्मूथ हो, एकदम टाइट ना हो, लेकिन अब सॉर्गम ने अपनी पत्ती को कॉम्पैक्ट कर दिया और टाइट कर दिया, तो अब प्लांट हॉपर उस पर्टिकुलर सॉर्गम को प्रेफर नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एंटीजिनोसिस हमको दिखाई दे रहा है। एंटीजिनोसिस के केस में क्या होता है कि प्लांट्स या कुछ वैराइटीज़ जो होती हैं बहुत अनअट्रैक्टिव या फिर अनसुटेबल हो जाती हैं इंसेक्ट के लिए। अब इंसेक्ट क्या करते हैं, वहाँ पे आके कोलोनाइजेशन पर्टिकुलर प्लांट में फैल जाएंगे, ओवी पोजिशन यानी एग लेइंग कर सकते हैं, तो कुछ भी इंसेक्ट को जो भी अपना एक शेल्टर मिल जाएगा, तो लेकिन अब वो ये काम नहीं कर सकते, इंसेक्ट वहाँ रहने के लिए नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एंटीजिनोसिस में हमने देखा क्या, तो जो एंटीजिनोसिस होता है इस कंडीशन में इंसेक्ट्स का जो बिहेवियर है वो बदल रहा है, इंसेक्ट्स का बिहेवियर चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है नॉन प्रेफरेंस या नॉन एक्सेप्टेंस और एंटीजिनोसिस का जो केस है ये एक ऐसा केस है जहाँ पे इंसेक्ट बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट हैज़ बीन चेंज। तो इंसेक्ट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीजिनोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने बात करी, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी बोलो या फिर प्लांट की बायोकेमिकल फीचर्स में कुछ बदलाव हो जाएंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट उस पर्टिकुलर प्लांट को फेवर नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो नॉन प्रेफरेंस या फिर वहाँ पे फीमेल अपनी एग लेइंग नहीं करेगी, वहाँ पे इंसेक्ट अपना शेल्टर नहीं बनाएगा। तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं दे आर कम्स अंडर द एंटीजिनोसिस प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोसिस, ठीक है। बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। एंटीबायोसिस में क्या होता है कि एंटीबायोसिस एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे इंसेक्ट की जो लाइफ होती है वो उस पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो जाता है किस पे, इंसेक्ट की लाइफ पे, ठीक है। और वी कैन से सिंपली बायोसिस का मतलब होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजी ऑफ पेस्ट इज गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड, यानी पेस्ट की जो बायोलॉजी है, सपोज़ ये हमारा कोई पर्टिकुलर प्लांट है और पेस्ट जो है इंसेक्ट पेस्ट उसमें अटैक करने आया है, तो इंसेक्ट ने अटैक तो करा लेकिन अटैक करने के बाद प्लांट को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंसेक्ट के अंदर कुछ चेंज हो गया, इंसेक्ट की जो बायोलॉजी थी, ठीक है, इंसेक्ट की बायोलॉजी में कुछ चेंजेस होने लगे, तो इसको हमने नाम दिया एंटीबायोसिस। एंटीजिनोसिस में तो पेड़ पे आया ही नहीं इंसेक्ट, ठीक है।
एंटीजिनोसिस और एंटीबायोसिस बहुत बारीक अंतर ये है कि एंटीजिनोसिस में जो हमारा इंसेक्ट था उसने प्लांट को प्रेफर ही नहीं करा, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंटीबायोसिस में ऐसा नहीं होता। एंटीबायोसिस में प्लांट्स जो पेस्ट होता है वो प्लांट पे अटैक करता है, लेकिन अटैक करने के बाद जब प्लांट पे बैठा, उसने सेल सैप था वो सक करा, वो सेल सैप सक करने के बाद वो उस इंसेक्ट के अंदर गया। अब इंसेक्ट की बायोलॉजी इफेक्ट हो गई, इंसेक्ट की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग चेंज होने लगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस का। सो एंटीबायोसिस मीन्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीडिंग ऑन द रेजिस्टेंस होस्ट प्लांट ऑन द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट की जो बायोलॉजी है वी कैन से उसका रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द लीथल और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर कुछ ऐसे लीथल और हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होने लगे हैं जो कि इंसेक्ट की बायोसिस माने लाइफ, इंसेक्ट की लाइफ के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एंटीबायोसिस बोलते हैं। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे लीथल या हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लगे हैं, जब इंसेक्ट ने उस काट इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा, इंसेक्ट उसको खाएगा तो इंसेक्ट के अंदर भी चले जाएंगे, और इंसेक्ट के अंदर भी जब ये हार्मफुल कंपाउंड जाएंगे तो इंसेक्ट की लाइफ के लिए खतरा हो जाएगा, तो इसी को हमने नाम दिया एंटीबायोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स डेवलप होने लगते हैं प्लांट्स में, अगेन यहाँ पे भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हार्ड एंड थिक एपिडर्मिस प्लांट की केस में हेयरी स्टेम हो जाएगा, ठीक है, एंड जो लीव्स होती हैं उनमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो ये सब कुछ फीचर्स होते हैं टू क्रिएट एंटीबायोसिस इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों में क्या अंतर था, यहाँ पे क्या है, द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ द होस्ट प्लांट आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन में एट्रीब्यूट टू द एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस के केस में प्लांट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, अभी हमने देखा कि एपिडर्मिस थिक हो गई है, स्टेम्स के ऊपर बाल आ रहे हैं, हेरी स्टेम हो गया है, तो मॉर्फोलॉजी हो गई। फिजियोलॉजिक का मतलब है कि जो प्लांट्स के अंदर जो सेल सैप फ्लो हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं, ठीक है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, कुछ रिएक्शंस प्लांट के अंदर हो रही हैं, तो इन सारे कारणवश इंसेक्ट अगर इनको खाएगा, ऐसे वाले प्लांट को खा जाएगा, तो इंसेक्ट की बायोलॉजी ख़राब होने के चांसेस हैं, तो इसी को हमने नाम दिया एंटीबायोसिस, ठीक है। तो एंटीबायोसिस और एंटीजिनोसिस का एक बार डिफरेंस हम दोबारा देख लेते हैं कि एंटीजिनोसिस के केस में प्लांट्स जो इंसेक्ट होता है प्लांट को प्रेफर ही नहीं कर रहा था, कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन एंटीबायोसिस केस में प्लांट्स पे जो है इंसेक्ट अटैक करेगा, लेकिन उसकी बायोलॉजी बाद में ख़राब हो जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंटीजिनोसिस एंटीबायोसिस का। एंटीजिनोसिस क्या करता है, इंसेक्ट के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देगा, इंसेक्ट का बिहेवियर बदल जाएगा, लेकिन एंटीबायोसिस में इंसेक्ट की पूरी बायोलॉजी ही बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा इन केस ऑफ इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट का अटैक होगा तो प्लांट्स में चार तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, चार तरह की कैटेगरीज बन जाएंगी, टॉलरेंस, अवॉइडेंस, एंटीजिनोसिस, एंटीबायोसिस। अब हम आते हैं डिसीज़ की तरफ। अगर हमारा पेस्ट डिसीज़ है, वी ऑल नो कि डिसीज़ भी एक तरह का पेस्ट होता है, तो अगर हमारा डिसीज़ होती है किसी क्रॉप में, किसी प्लांट में डिसीज़ का केस है, तो डिसीज़ के केस में मैंने आपको पहले बताया डिसीज़ केस में तीन कैटेगरीज बन जाएंगी, ठीक है। डिसीज़ रेजिस्टेंस में तीन कैटेगरीज आती हैं, दैट इज़ डिसीज़ एस्केप, और इसी डिसीज़ एस्केप को हम स्यूडो रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज एक तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। डिसीज़ एस्केप में भी हम क्या करते हैं, अपनी कुछ ऐसी वैरायटीज़ लेंगे जो अर्ली मैच्योरिंग हैं, या ठीक है अर्ली मैच्योरिंग या फिर जल्दी से मैच्योर हो जाती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम को स्केप कर देंगे, दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें स्यूडो रेजिस्टेंस हमने यूज़ करा। इसके अलावा नेक्स्ट आएगा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की भी दो कैटेगरीज होती हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल रेजिस्टेंस और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। इसके बाद हमको पढ़ना है लास्ट इम्यूनिटी। तो तीन टाइप्स की कैटेगरीज हमको यहाँ पढ़नी है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द डिसीज़ एस्केप और स्यूडो रेजिस्टेंस। तो डिसीज़ एस्केप और स्यूडो रेजिस्टेंस का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि जब कोई डिसीज़ का अटैक जब अपने पीक पीरियड में हो, उससे पहले ही हमको अपनी क्रॉप्स को मैच्योर कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब होता है डिसीज़ एस्केप या स्यूडो रेजिस्टेंस का। यहाँ पे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, अर्ली वैराइटीज़, ऐसी वैराइटीज़ यूज़ करेंगे जो बहुत फास्ट ग्रो हों, यानी इनका शॉर्ट ड्यूरेशन हो, कम समय में जल्दी से इनकी कल्टिवेशन हो जाए, तो फास्ट ग्रोथ हो, अर्ली मैच्योरिटी या फिर वी कैन से शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ का यूज़ करते हैं।
तो जब हम क्रॉप्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम वेराइटीज़ में जब पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट सेक्शंस पढ़ते हैं, लेट वेराइटी, अर्ली वेराइटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे ये है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट स्यूडो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, अर्ली वेराइटीज़ ऑफ वीट स्केप द डैमेज ऑफ रस्ट। वीट में बहुत ही फेमस डिसीज़ लगती है रस्ट की। ये जो रस्ट की बीमारी लगती है एक्चुअल में एक फंगस से लगती है, फंगल डिसीज़ है, ठीक है। तो गेहूं में जो रस्ट लगती है फंगस की वजह से लगती है। अगर हम गेहूं के अर्ली वराइटीज़ यूज़ कर लें, ठीक है, अर्ली वराइटीज़ यूज़ करें जो जल्दी मेच्योर हो जाएँ, तो हम फंगल अटैक से यानी रस्ट के अटैक से बच सकते हैं। इसी तरह हम सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं पटेटो के केस में। हमारा जो पटेटो है उसमें भी एक बीमारी लगती है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सी बीमारी कॉज करता है। जैसे ऊपर हमने वीट का एग्जाम्पल पढ़ा, तो वीट के केस में हमको पता है रस्ट बीमारी का नाम है, रस्ट होती है फंगस से। लेकिन पटैटो केस में जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिसीज़ कॉज करता है, दैट इज़ नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो। तो आलू में दो तरह की ब्लाइट लगती है, एक होती है अर्ली ब्लाइट, एक होती है लेट ब्लाइट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, की बेसिकली लेट ब्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आलू में। तो आलू की अगर हम अर्ली वराइटीज़ को ग्रो करें, क्योंकि लेट ब्लाइट है लेट में आती है, तो अगर हम अर्ली वराइटीज़ यूज़ करें तो वी कैन स्केप इट्स डैमेज, तो हम लेट ब्लाइट के अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आलू में जो लेट ब्लाइट होती है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। इसके अलावा आपको एक थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूँ, अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से होती है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आलू में दो ब्लाइट होती हैं, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो पहले लगती है वो लगती है अल्टरनेरिया सोलानी से, और लेट ब्लाइट लगती है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द क्रॉप इन यंग और सीडलिंग स्टेज इज़ मोर ससेप्टेबल, ठीक है। प्लांट्स जब यंग होता है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, इसमें चांसेस हैं कि उसमें हर किसी का अटैक हो, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है मैच्योर क्रॉप्स में अटैक कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको मैच्योर प्लांट रेजिस्टेंस भी बोला गया है, ठीक है। तो जनरली एक मैच्योर प्लांट रेजिस्टेंस कुछ प्लांट्स में होता है, जब प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तो उसमें डिसीज़ का अटैक या पेस्ट का अटैक कम हो जाएगा, तो उसको नाम दिया है मैच्योर प्लांट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि किस तरह से स्यूडो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है प्लांट में टू स्केप द अटैक ऑफ डिसीजेज। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है हमारी रेजिस्टेंस की आती है। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, ओके वी ऑल नो, बट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्लांट्स जो होते हैं उसमें डिसीज़ लग रही है लेकिन स्टिल हमारा जो प्लांट है वो खड़ा है, स्टैंडिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो डिसीज़ से जूझना दैट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस द एबिलिटी टू विद स्टैंड डिसीजेज। प्लांट में डिसीज़ हो रही है लेकिन फिर भी हमारा जो प्लांट है वो वैसे का वैसा खड़ा है, विद स्टैंड डिसीज़ के साथ खड़ा है, ठीक है। विच मे बी कंडीशन बाय नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑपरेटिंग टू रिड्यूस द चांस एंड डिग्री ऑफ द इन्फेक्शन। मीन्स प्लांट्स के अंदर कुछ इंटरनल कंडीशन ऐसी बन गई हैं या बाहर एक्सटर्नल कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है कि जो इंसेक्ट का या डिसीज़ का इन्फेक्शन है वो उसको कम कर रही हैं। यानी कोई पर्टिकुलर प्लांट है, अगर उसमें पेस्ट ने अटैक करा लेकिन पेस्ट में अटैक करने के बाद बाहर की कुछ कंडीशंस हैं, मौसम बदल गया है, गर्मी सर्दी हो रही है या बारिश में तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली। सपोज़ हम मान लेते हैं कि वेदर जो है ठंडा हो चुका है, कूल कंडीशन हो चुकी है, और प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होने लगे जो इस पेस्ट के लिए ख़तरनाक है, तो ऑटोमेटिकली अब पेस्ट अपना अटैक कम कर देगा और प्लांट क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस उस कंडीशन को बोला जाता है जब प्लांट जो है विदस्टैंड करने लगता है डिसीज़ का। प्लांट्स में डिसीज़ हो रही है हल्की हल्की लेकिन फिर भी प्लांट अपने आप को मजबूत करके वहाँ विदस्टैंड है, बिकॉज प्लांट के बाहर की और अंदर की कंडीशंस में क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है जो उस डिसीज़ के इन्फेक्शन को कम करने के लिए हेल्पफुल है। तो इस चीज़ को हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि प्लांट्स में जो डिसीज़ लगी है उसके सिम्टम्स डेवलप तो होते हैं, नो डाउट डेवलप सिम्टम्स होंगे, लेकिन सिम्टम्स जो डेवलप हुए हैं डिसीज़ की वजह से, अब डिसीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिविंग होते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर हमको उनके रिप्रोडक्शन रेट को देखना पड़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में रिप्रोडक्शन रेट कभी भी ज़ीरो नहीं होता,
ठीक है, जीरो नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वो हमेशा वन से कम होगा। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता लेकिन वन से कम होता है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस के केस में इसकी वैल्यू जो है, आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो ये सफिशेंटली लोअर देन वन, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इन रेजिस्टेंट वराइटी इज़ वेरी लेस। ठीक है, जो डिसीज आएगी रेजिस्टेंट वराइटी में बहुत कम आती है, अगर उसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन रेट ऑफ पैथोजन, तो आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन रेट ऑफ पैथोजन, ये होता है आर, और इसकी वैल्यू हमेशा वन से कम होगी और ज़ीरो से ज़्यादा होगी, तो ज़ीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, अब हम जो रेजिस्टेंट के दो टाइप हैं, वराइटल रेजिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी को समझने से पहले हम समझते हैं दोनों में अंतर क्या था। देखो, स्यूडो रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ा, स्यूडो रेजिस्टेंस कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर, ये सिर्फ डिसीज़ को बचने का, डिसीज से एस्केप करने का एक मेथड है, मेथड था कि हम अगर पहले ही वैरायटी को ग्रो करें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी को ग्रो करें और डिसीज़ आने से पहले ही उसकी हम प्रॉपर हार्वेस्टिंग करें तो हम डिसीज़ से बच सकते हैं, ये एक सिंपल मैथड था डिसीज़ एस्केप और स्यूडो रेजिस्टेंस का। लेकिन रेजिस्टेंस में एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट हो रही हैं जो इंसेक्ट के अटैक को रोक रही हैं। इम्यूनिटी में भी सेम यही होता है, इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो प्लांट्स में हो तो रहा है लेकिन इन प्लांट के अंदर कुछ सेम ऐसी कंडीशन बन रही है कि वो इंसेक्ट के अटैक को झेल रहा है, यानी उसके अटैक को कम कर देगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, रेजिस्टेंस के केस में प्लांट्स के जो डिसीज़ के सिम्टम्स थे वो शो तो होते थे। ठीक है, हमें बाहर से पर्टिकुलर लीव है किसी प्लांट की, जो लीव्स है हमें उसमें स्पॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है, वो पर्टिकुलर क्रॉप्स है, उसमें रेजिस्टेंस है, तो जितना डिसीज़ होनी थी हो चुकी, इसके आगे और चांसेस नहीं है कि डिसीज़ हो। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में हमको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, पत्ते में स्पॉट्स थे वो हमको शो होंगे। लेकिन इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी के केस में डिसीज़ के सिम्टम्स शो नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, रेजिस्टेंस में और इम्यूनिटी में क्या अंतर है। तो रेजिस्टेंस के केस में डिसीज़ सिम्टम्स शो होते हैं और जो रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन की वैल्यू थी, आर की जो वैल्यू है वो वन से कम और ज़ीरो से ज़्यादा रहती है, ज़ीरो से वन के बीच में वेरी करेगी। लेकिन इम्यूनिटी के केस में क्योंकि डिसीज़ के सिम्टम्स ही डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन था वो एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाता है, एकदम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है उसको। आप देखते हैं इम्यूनिटी के डेफिनेशन की इम्यूनिटी होता क्या एक्चुअल में। सो इम्यूनिटी इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट, इनएबिलिटी किसकी, इनएबिलिटी पैरासाइट की, यानी पैरासाइट जो है इनेबल है, सक्षम नहीं है किस चीज़ में, टू इन्फेक्ट द होस्ट, जो उसका होस्ट है प्लांट है। ठीक है, इस पैरासाइट का होस्ट है ये प्लांट, इसको पैरासाइट को अटैक करना है इस पर्टिकुलर प्लांट में, लेकिन पैरासाइट क्या है, इनेबल है, पैरासाइट की इनेबिलिटी है, वो सक्षम नहीं है कि वो होस्ट पर अटैक कर, इवन जबकि अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे लिखा है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। देखो, हर एक पैरासाइट की कंडीशन होती है कि उसमें वो बहुत ज़्यादा आराम से रिप्रोड्यूस करेगा, आराम से अटैक कर लेगा। ठीक है, तो पैरासाइट की जो फेवरेट कंडीशन है वो थक है, पैरासाइट को जैसी कंडीशन चाहिए अटैक करने के लिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो बोला गया है वो सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो प्लांट में अटैक नहीं कर पा रहा, ये उसकी इनेबिलिटी है। इसी चीज़ को हमने बोला है कि इम्यूनिटी होता क्या है, कि प्लांट के अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कि अब कोई भी पैरासाइट उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, चाहे कंडीशन पैरासाइट के हित में ही क्यों ना हो। पैरासाइट के हित में ही जो कंडीशन होंगी, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सब कुछ पैरासाइट के हित में है कि क्या क्या उसके लिए चाहिए अटैक करने के लिए, लेकिन स्टिल वो पैरासाइट इनेबल है अटैक करने में, दैट इज़ उसको ही हमने नाम दिया है कि वो इम्यूनिटी होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के केस में जो प्लांट होते हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होते हैं। फुली प्रोटेक्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट का इम्यून है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग है कि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देगा। ठीक है, इन द वर्ड सच इम्यून वराइटीज़ नाइदर अलाउ द पैथोजन टू डेवलप नॉर शो एनी डिसीज सिम्टम। तो यहाँ पे ना तो पैथोजन उन पे ग्रो कर पाएगा, ना उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी और डिसीज़ का सिम्टम भी शो नहीं होंगे। ठीक है, कोई डिसीज़ का सिम्टम शो नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में डिसीज़ सिम्टम शो हो रहे थे और आर की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में थी, लेकिन यहाँ पे डिसीज़ का सिम्टम भी शो नहीं होगा, इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो पैथोजन से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे,
तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, आर जो है इम्यूनिटी के केस में एकदम ज़ीरो हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी के केस में एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाता है आर। अब हम आते हैं अपने जो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा था उसके दो टाइप होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही हैं जो उसको डिसीज़ के साथ झेलने में या डिसीज़ को रेजिस्ट करने में हेल्पफुल हो रही है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विदस्टैंड डिसीज़, डिसीज़ के साथ ही अपने आप को विदस्टैंड करना। अब रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल के कई नाम होते हैं, हॉरिजॉन्टल के भी कई नाम होते हैं, वन बाय वन करके हम दोनों वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस को। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। जिनकी मैथ्स होगी उनको अच्छे से पता हो वर्टिकल क्या होता है। दो लाइंस हम बनाते हैं, जब बचपन में हम लाइंस ड्रॉ करते थे हमको लाइंस के नाम बताए जाते थे। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, जो खड़ी भी होती है, जो इस तरह से खड़ी होती है ना वर्टिकल लाइन, और परपेंडिकुलर भी कुछ ऐसे ही बनते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया। रेशियल रेजिस्टेंस ही बोला जाता है इसको, ध्यान रखना है। वर्टिकल रेजिस्टेंस के कई नाम होते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस एंड रेशियल रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस आप इसका डिफरेंस बना सकते हैं दोनों में कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो उसका अंतर हो गया। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, वर्टिकल रेजिस्टेंस जनरली कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। वर्टिकल रेजिस्टेंस कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक, यानी यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करते। ठीक है, सॉरी नॉन स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक है ये। हॉरिजॉन्टल वाला नॉन स्पेसिफिक होता है, सॉरी। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ को या फिर स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो वर्टिकल रेजिस्टेंस कैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। आप देख सकते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस कैसा है, रेस स्पेसिफिक, इंसेक्ट की जो पर्टिकुलर रेस है उनके लिए भी स्पेसिफिक है। पैथो टाइप का मतलब बायो टाइप या पैथोजन जो होते हैं उसके लिए भी स्पेसिफिक है, और सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक होता है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब है किसी एक इंसेक्ट के लिए काम करेगा या किसी स्पेसिफिक पैथोजन या बायो टाइप के अगेंस्ट ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है वर्टिकल रेजिस्टेंस। देखो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो वर्टिकल लाइन जो है कैसी बनती है। वर्टिकल जो हम लाइंस बनाते हैं वो ऐसे खड़ी भी बनाते हैं। वर्टिकल का मतलब आप सोचो किसी एक के लिए, तो वर्टिकल इस तरह से बनता है ना। ये क्या है, नंबर अगर बात करें तो ये इस तरह से वन ऐसे ही बनाते हैं हम बचपन में, वन ऐसे डंडा खींच के, तो वन। तो ये किसी एक ही के लिए स्पेसिफिक होगा, ये है हमारा वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वर्टिकल रेजिस्टेंस में कितने जीन इन्वॉल्व होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यू जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यू जीन्स को हम बोलते हैं ओलिगो जीन्स। फ्यू जीन्स को नाम दिया है ओलिगो जीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका मतलब ही समझो फ्यू जीन्स कैसे। ठीक है, तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वर्टिकल रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही के लिए होता है। अभी हमने पढ़ा ये हमारा वर्टिकल इस तरह से बनता है वर्टिकल, और ये हमारा वन दिख रहा है, तो ये हमारा किसी एक इंसेक्ट के लिए दिख लिखा ना, ओनली वन, किसी एक ही इंसेक्ट के लिए या किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन टाइप के लिए ही काम करेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही के लिए काम हो रहा है तो बहुत सारी की ज़रूरत नहीं है, एक ही जीन, आई मीन नॉट एक, फ्यू जीन्स, कुछ ही जीन्स, फ्यू जीन्स ही काम करेंगे यहाँ पे। तो आप इसको याद रख सकते हो वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि एक, मतलब क्योंकि एक ही के लिए होता है, एक ही की चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, वन इंसेक्ट या वन स्पेसिफिक पैथोटाइप के लिए ही काम करेगा, तो यहाँ पे कुछ ही जीन्स की ज़रूरत होती, बहुत सारे जीन्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे जीन्स होंगे तो उसको हम पॉली जीन बोलेंगे, जो भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे फ्यू जीन्स का कंसेप्ट याद रखना है, फ्यू जीन्स यानी ओलिगो जीन्स। और एक चीज़ और याद रखना है, जब भी हमारे ओलिगो जीन्स की बात होती है, ओलिगो जीन्स की वजह से जो भी हमारे पर्टिकुलर प्लांट में वेरिएशन क्रिएट्स होती हैं वो डिसकन्टीन्यूअस वेरिएशन होती है ओलिगो जीन्स की वजह से, क्योंकि कम जीन है। अब क्योंकि ओलिगो जीन है, ओलिगो जीन मतलब ये हमारा जीन नंबर वन हुआ, जीन नंबर टू, जीन नंबर थ्री, जीन नंबर फोर, ऐसे हमारी चार जीन्स होगी, तो हमारे फ्यू जीन्स हैं। अब ये किसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे बाय चांस,
तो हम हर एक जीन का इफेक्ट को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कम जीन है, ठीक है ना, कम लोगों में तो हम आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वही जीन के साथ भी है, कम जीन्स हैं, फ्यू जीन्स हैं, ओलिगो जीन्स हैं, तो हर एक जीन की इम्पैक्ट को हम ईजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ईजली ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीन, इस जीन का क्या इफेक्ट है वो आसानी से देखेंगे, इस जीन नंबर टू का क्या इफेक्ट है वो भी हम देख सकते हैं ईजिली, फिर थर्ड नंबर का जीन का क्या इफेक्ट है, चौथे नंबर की जीन का क्या इफेक्ट है, हर एक इंडिविजुअल जीन के इफेक्ट को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन केस ऑफ ओलिगो जीन्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यही जो मैंने आपको बताया पर्टिकल रेजिस्टेंस में उतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के केस में। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है पहले तो वो देखो, वर्टिकल ऐसी थी, ये हमारी थी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है लेटी हुई, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी हमको इसके बारे में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में जो फील्ड में हमें देखने को मिलता है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में फील्ड में हमको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की ज़्यादा नीड है, हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसे, बिकॉज हम जब फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो क्रॉप में कोई एक अकेला इंसेक्ट अटैक नहीं करता, ठीक है, एक अकेला इंसेक्ट अटैक करता तो हम वर्टिकल रेजिस्टेंस में खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर को कंट्रोल करना है, स्पेसिफिक को कंट्रोल करना है। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल कंडीशन में फील्ड में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तो वहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की नीड होती है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब कि ये एक इंसेक्ट पेस्ट को भी कंट्रोल करे, दूसरे को भी करे, किसी स्पेसिफिक को कंट्रोल ना करे, सारी कैटेगरीज के इंसेक्ट को कंट्रोल करे, तो ऐसा रेजिस्टेंस अगर क्रिएट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को वर्ड फील्ड रेजिस्टेंस भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से ट्रिक बना के अपनी। अब इसमें होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस वो नॉन स्पेसिफिक है, पहली बात ध्यान रखना है, रेस नॉन स्पेसिफिक, पैथोटाइप नॉन स्पेसिफिक, पार्शियल रेजिस्टेंस कहलाता है, जनरल रेजिस्टेंस भी यही कहलाता है। मैंने आपको बताया ना जनरल फील्ड में इसी टाइप के रेजिस्टेंस की नीड है, तो दैट इज़ अ पार्शियल या फिर जनरल रेजिस्टेंस को नाम दिया गया है, और ये किसी एक के लिए स्पेसिफिकली वर्क नहीं करता, इट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल नॉन बायोटाइप्स, ये सारे के सारे जितने भी नॉन बायोटाइप्स होते हैं, यानी जितने भी इंसेक्ट हमको याद हैं, पता हैं, नॉन हैं, जानते हैं, उन सभी के लिए अपना अफेक्ट शो करेंगे, उनके अगेंस्ट वर्क करेंगे। वर्टिकल वाले में तो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए था, एक स्पेसिफिक के लिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में जितने हमको याद हैं, सपोज़ राइस की बात करें तो राइस में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, येलो स्टेम बॉरर हो गया, गॉल मिश, अलग अलग के लिए सबके लिए रेजिस्टेंस होगा, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ येलो स्टेम बॉरर के लिए रेजिस्टेंस तो हमारा वर्टिकल हो जाएगा, तो किसी एक इंसेक्ट के लिए है तो वर्टिकल, बहुत सबके लिए है तो हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को कौन गवर्न करता है, सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं पॉली जीन्स। पॉली जीन्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे जीन्स पॉली जीन्स, ठीक है। अब बहुत सारे जीन्स कैसे याद रख सकते हैं हम, देखो वर्टिकल में एक को कंट्रोल करना था, एक यानी एक को कंट्रोल करने के लिए कुछ ही लोग चाहिए ना, कुछ माने फ्यू, फ्यू माने ओलिगो। लेकिन अगर सबको कंट्रोल करना, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह बनती है ना, यहाँ पे सब कंट्रोल जाएंगे, यहाँ पे राइस के गॉल इमेज भी कंट्रोल हो रही है, राइस का येलो स्टेम बॉर्डर भी कंट्रोल हो रहा है, और जो अलग अलग इंसेक्ट सब कंट्रोल हो रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इसको भी कंट्रोल करो, उसको भी, उसको भी, इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स चाहिए, तो दैट इज़ पॉली जीन। कैसा जीन, पॉली जीन्स, याद रखना। और पॉली जीन में क्या होता है कि ना बहुत सारे जीन्स होते हैं, पॉली जीन्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं, अनगिनत है, हम गिन भी नहीं सकते, फिर भी मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ पॉली जीन्स। अब इस वाले जीन का क्या इफेक्ट होगा, इस जीन का क्या इफेक्ट होगा, इस जीन का क्या इफेक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है, इसी तरह औरों का भी क्या इफेक्ट है, ये हम आसानी से नहीं देख पाएंगे, इट इज़ नॉट इजी टू ऑब्जर्व। आप खुद सोचो, इतने सारे जीन्स हैं, अनगिनत हैं, पॉली हैं, मैनी जीन्स, हर एक इंडिविजुअल जीन का क्या इंडिविजुअल इफेक्ट है, इस जीन का इकलौता का क्या, अकेले का क्या इफेक्ट है, ये हम यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ ही जीन है हमारे पास, फ्यू जीन है, ओलिगो जीन्स, तो हम ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉली जीन्स में हम हर एक जीन्स का क्या इफेक्ट होगा वो हम देख नहीं सकते। और इसके अलावा जो वेरिएशंस यहाँ पे बनते हैं, कि बहुत सारे जीन्स हैं, तो वेरिएशंस हमेशा लगातार देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो वेरिएशंस होती हैं वो लगातार रहती हैं, कॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस
देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ पॉलीजीन्स। ठीक है, तो ये बात काम की है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो ज़ीरो कभी नहीं होता, लेकिन वो वन से कम होता है, इट इज़ लेस देन वन। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है डिसीज पैथोजन का, वो ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा लेकिन वन से कम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सिम्टम ऑफ द डिसीज अपेयर, डिसीज का सिम्टम्स तो अपेयर होंगे कि वन से कि ज़ीरो से ज़्यादा, ज़ीरो से ज़्यादा का मतलब सिम्टम्स। तो जब भी वैल्यू इस तरह से दी होती है तो आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो से ज़्यादा, वन से कम का मतलब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ज़ीरो से ज़्यादा है तो डिसीज़ के सिम्टम अपेयर तो होते हैं, लेकिन वन से कम है का मतलब कि डिसीज़ के सिम्टम्स जो होंगे वो स्प्रेड बहुत कम होंगे, या फिर इनका जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में। अगेन हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि एक बार हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी वीडियो के चैप्टर में, दैट इज़ वराइटल कंट्रोल से। वराइटल कंट्रोल में हमने रेजिस्टेंट वराइटीज़ की बात करी कि हम रेजिस्टेंट वराइटीज़ का यूज़ करेंगे। अब वराइटल कंट्रोल भी दो कैटेगरीज में हमने स्टडी करा, इन केस ऑफ इंसेक्ट और इन केस ऑफ डिसीजेज। इंसेक्ट के केस में चार टर्म्स हमने पढ़े थे, टॉलरेंस पढ़ा, फिर अवॉइडेंस, फिर एंटीजिनोसिस, फिर एंटीबायोसिस। ओके, डिसीज के केस में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। डिसीज के केस में सबसे पहले हमने स्यूडो रेजिस्टेंस, जिसको हमने डिसीज स्केप बोला, डिसीज स्केप। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा। रेजिस्टेंस दो टाइप के थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आफ्टर दैट इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के बाद हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस देखा कि वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसे एक पर्टिकुलर, एक सिर्फ एक ही बायोटाइप के लिए वर्क करेगा। ठीक है, ओलिगोजीन से गवर्न होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हम फील्ड रेजिस्टेंस या जनरल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी पॉलीजीन्स अपना रोल प्ले करते हैं, और ये जो है वर्क करता है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ नोन पैथोजेंस या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बायो पैथोटाइप्स। ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है। आप आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल स्टेराइल टेक्निक, और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी अब आप सोचेंगे, तो हमने जब कल्चरल मेथड पढ़ा उसके बाद हमने नेक्स्ट हैडिंग जो बी हैडिंग में हमने पढ़ा मैकेनिकल कंट्रोल, मैकेनिकल या फिर वी ऑल्सो कॉल्ड इट फिज़िकल कंट्रोल। मैकेनिकल फिज़िकल मेजर्स या मैकेनिकल फिज़िकल कंट्रोल्स जब हम पढ़ते थे, हमने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, यूज़ ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जहाँ पे हम रेडिएशंस का यूज़ कर रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ही आया है। ठीक है, तो ये जो मेल स्टाइल टेक्निक है ये रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट से ही डेवलप हुआ है। हमने पीछे पढ़ा था कि इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो जो जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था, एक साइंटिस्ट थे निपिंग, KNIP निपलिंग। ठीक है, तो ये उनका नाम था जी ग्रीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पर EF निपलिंग ऐसी कुछ नाम है। ये USA के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1937 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, और इसके हिसाब से उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट 1937 में। इन्होंने जो इंसेक्ट यूज़ करा था वो क्या यूज़ करा था, स्क्रू वॉर्म फ्लाई। ध्यान रखना, स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ये आपने पीछे पढ़ा था, आप भूल गए होगे, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। इन्होंने कौन सा इंसेक्ट पेस्ट यूज़ करा था, दैट इज़ स्क्रू वॉर्म फ्लाई। स्क्रू वॉर्म फ्लाई की जो प्यूपा होते हैं उन्होंने उसका यूज़ करा था, और उन्होंने कोबाल्ट 16 का यूज़ करके रेडिएशन प्रोड्यूस करी थी, ताकि जो भी स्क्रू वॉर्म फ्लाई के जो मेल्स हैं वो स्टेराइल हो जाएं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर हमने स्टडी करा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि हमने इसमें कॉन्सेप्ट में है क्या क्या, कौन से केमिकल्स, कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो इन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, निपलिंग। इन्होंने 1937 में कॉन्सेप्ट दिया था, या आपने पीछे रेडिएंट एनर्जी का यूज़ जहाँ पढ़ा था वहाँ पर इनके बारे में जिक्र करा था। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आर रेडिएशंस का यूज़ हो रहा था, और ये आर रेडिएशन कहाँ से निकल कर आई, आर रेडिएशन के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता थी। आर रेडिएशन निकल कर आती है हमारी कोबाल्ट 60 से, और हमारे पास कुछ कीमोस्टेलेंट होते हैं वहाँ से। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कोबाल्ट-60 और कीमो स्टेरिलेंट से। अब जो कीमो स्टेरिलेंट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, तो कीमो स्टेरिलेंट के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग एल्कलेटिंग एजेंट्स एजीडी राइट एजीडी जाइन। फिलहाल यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो इस एल्कलाइटिंग एजेंट का नाम ध्यान रखना है। तो डिफरेंट एल्कलाइटिंग एजेंट्स में हमारा आता है टैपा, इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो टैपा ही याद रखते हैं सिंपल, ठीक है। टैपा होता है, फिर होता है हमारा मी टैपा होता है, उसके बाद आता है हमारा एफोलेट, ठीक है। तो ये तीन हमारे होते हैं जो कि एल्कलाइटिंग एजेंट का काम करते हैं, और एल्कलाइटिंग एजेंट किसका काम करता है, कीमोस्टेरिलेंट का काम करता है, और बाद में ये रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं। रेडिएशन रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर ये रेडिएशन डाल दें तो उसमें उनकी पॉपुलेशन में जो मेल्स होंगे वो स्टेराइल होने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस मेथड का यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाए। मेल्स अगर स्टेराइल होंगे तो उनका कॉपुलेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और उनकी ब्रीडिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है, प्रॉपर उनकी पॉपुलेशन आगे इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे जो टैपा है ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि टैपा जो है मेनली किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, बेसिकली यूज़ होता है हमारा मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई भी अलग अलग टाइप की होती है, तो जो पर्टिकुलरली मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई होती है वहाँ पे हम टैपा का यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड है पर्टिकुलरली फ्रूट फ्लाइज को ही कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी फ्रूट फ्लाइज को सक्सेसफुली कंट्रोल करते हैं। ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है डॉकस टॉर्सालिस, दूसरा मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है सेराटिस कैपिटेटो, ठीक है। तो बेसिकली फ्रूट फ्लाइज के केस में ये हमारा मेल स्टेराइल टेक्निक मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक यूज़ हो रही है, जैसे मेलन फ्रूट फ्लाई, ठीक है, अनियन फ्रूट फ्लाई, ब्रैकेट में इनके साइंटिफिक नेम है आप पढ़ सकते हैं, बट अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये जानना है कि कौन कौन सी फ्रूट फ्लाई में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आगे देखते हैं कॉटन बॉर्न विविल जो कॉटन में लगता है, ठीक है, कॉक चैफर के लिए होता है, कैबेज, लूपर, कॉर्न ईयरवॉर्म, जिप्सी मॉथ, कोडलिंग मॉथ, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, स्पेशली फ्रूट फ्लाइज आपको ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाइज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था। तो ये क्या करता था मेथड, इस मेथड में बेसिकली हम रेडिएशन प्रोड्यूस करके मेल्स पॉपुलेशन को, जो मेल की पॉपुलेशन को स्टेराइल बना देते ताकि उनके बीच में प्रॉपरली कॉपुलेशन ना हो और इसकी जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल में कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा कुछ कीमोस्टेरिलेंट के बारे में बताया कि कुछ कीमोस्टेरिलेंट जो हमने पढ़े थे, ठीक है, कीमोस्टेरिलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एल्कलेटिंग एजेंट्स से बने होते हैं, और इनमें हमने देखा था टैपा, एमीटीपा, एफोलेट, ये सब आते थे। अब ये किसके लिए सक्सेसफुल होते हैं, तो कॉटन विविल्स के लिए, रेड बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके मेल्स जो होते हैं जल्दी स्टराइल बन जाते हैं ईजिली। इसके अलावा टैपा का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था, टैपा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ होता है मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था मेल स्टेराइल टेक्निक वो कंप्लीट हो गया। मेल स्टेराइल टेक्निक को एक बार रिवाइज करते हैं, मेल स्टेराइल टेक्निक में याद क्या रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि मेल स्टेराइल टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, निपलिंग ने दिया था 1937 में, ठीक है। और ये जो मेथड है मेल स्टेराइल वाला मेथड, यहाँ पे हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं प्लस कीमोस्टेरिलेंट का यूज़ करते हैं, और कीमोस्टेरिलेंट कहाँ से बने होते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट्स के बने होते हैं, और ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। कीमोस्टेरिलेंट में जो एल्कलेटिंग एजेंट थे उनके एग्जाम्पल भी याद रखना है, टैपा, मी टैपा, एफोलेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतना आपको याद रहेगा तो दैट इज़ सफिशेंट। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यूज़ ऑफ IGR। IGR क्या होता है, दैट इज़ इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। फेरोमोन्स, ये एक हार्मोन होता है जो इंसेक्ट रिलीज़ करते हैं, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, दैट अट्रैक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स। तो ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से सेपरेटली स्टडी करेंगे कि IGR क्या है, फेरोमोन्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्टेंट्स और रिपेलेंट्स को हम एक कैटेगरी बना के पढ़ेंगे। We discuss about in detail about the
IGR, that is insect growth regulators. तो insect growth regulators में दो examples हैं, we have juvenile hormone and chitin inhibitors. तो ये insect growth regulators होते हैं. insect growth regulator का basically जो working होता है वो कैसा होता है. तो insect growth regulators जो हैं वो basically insect की जो different stages हैं. insect egg था पहले, then becomes larva, then develops into pupa, after that finally become adult. कुछ में larva pupa नहीं होते, कुछ में egg के बाद nymph होता है and finally nymph develop into an adult. तो ये different life stages होती हैं insect की. तो जो insect growth regulators होते हैं वो इनकी stages पे work करते हैं. अगर suppose insect larva stage में है तो उसके larva में कुछ ऐसे problems create होंगी, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ हो जाएंगे जो लार्वा से प्यूपा नहीं बनने देंगे या फिर प्यूपा से अडल्ट नहीं बनने देंगे. ऐसी सेम केस विद निम्फ. निम्फ में डिफरेंट इंस्टार्स होते हैं, इंस्टार में डेवलपमेंट होते हैं. तो कोई एक इंस्टार का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ जुवेनाइल हार्मोन या फिर काइटिन इनहिबिटर्स. तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा. तो दैट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड इन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमारे पास दो चीज़ हैं, दैट इज़ अ जुवेनाइल हार्मोन एंड दूसरा हमारे पास है काइटिन इनहिबिटर्स. जुवेनाइल हार्मोन के बारे में अगर देखें तो जुवेनाइल हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. ये इंसेक्ट को अडल्ट बनाने के लिए, इंसेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जुवेनाइल हार्मोन. ठीक है, और जुवेनाइल हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इट इज़ सिक्रेट बाय द कॉर्पोरा अलाटा. तो ये कॉर्पोरा अलाटा से सिक्रीट होता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये ऑर्गन होता है इंसेक्ट की बॉडी में जहाँ से ये हार्मोन जो है सिक्रीट होता है इंसेक्ट की बॉडी में, और ये इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जुवेनाइल हार्मोन्स भी ये होते हैं क्या, ये इंसेक्ट की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन प्रॉपर बनेगा तो इंसेक्ट की ग्रोथ प्रॉपर होगी, अदरवाइज ग्रोथ अफेक्ट होगी. ठीक है, इसी के साथ क्या था, एक हमारा दूसरा आता है हमारा काइटिन इनहिबिटर. अभी काइटिन क्या होता है, तो देखो इंसेक्ट के पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, और ये इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है. इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है. तो काइटिन अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, काइटिन इनहिबिट हो जाएगा वरना, तो एक्सोस्केलेटन प्रॉपर नहीं बनेगा, और एक्सोस्केलेटन प्रॉपर नहीं बनेगा तो उनकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी. इंसेक्ट का जो प्रॉपर स्केलेटन है वो मजबूत नहीं रह पाएगा, वीक पड़ जाएगा. तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जुवेनाइल हार्मोन और काइटिन इनहिबिटर, जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक साइंटिस्ट का जिक्र यहाँ पे किया है, विलियम्स का. इन्होंने 1967 में क्या करा था, जुवेनाइल हार्मोन को स्टमक, एक मेल इंसेक्ट था, मेल इंसेक्ट है, दैट इज़ सरकोपिया इंसेक्ट था, मेल इंसेक्ट. इस मेल इंसेक्ट के स्टमक में इन्होंने जुवेनाइल हार्मोन को ऑब्जर्व करा और इसको उन्होंने नाम दिया न्यूटेनिन. ठीक है, और इन्होंने क्या करा, इसी हार्मोन का यूज़ करके टारगेट इंसेक्ट्स पे स्प्रे करना स्टार्ट करा. तो देखा कि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या उनकी जो रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो रही थी. तो ये सब इन्होंने स्टडी करी, ये चीज़ ध्यान रखनी है. लेकिन इन सब केमिकल्स का यूज़ करके, यानी जो इंसेक्ट हमारे जो ग्रोथ रिलीजिंग जो IGR होते हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये बेसिकली बहुत लार्ज स्केल पे जो है वर्क नहीं कर पाते. ये एकदम क्विक रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते. अगर सपोज किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट का आउटब्रेक हो गया है तो वहाँ पे हमको चाहिए कि इंसेक्ट को एकदम इंस्टेंटली, फास्टली, क्विकली हम कंट्रोल करें, तो वहाँ पे IGR का मेथड फुलफिल नहीं होता, ये फेल हो जाता है. इसके ये ड्रॉबैक्स थे. इसके अलावा हमको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो हमको ध्यान रखना है कि दूसरे कॉमर्शली कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जो IGR यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर की फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो कमर्शली हमारे पास क्या है, एल्टोइड, काइनोप्रीन, एल्टोजर. ठीक है, तीनों ध्यान रखना है, तीनों जो है कॉमर्शली यूज़ होने वाले IGR हैं. इसके अलावा काइटिन इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ अजाडिरैक्टिन लाइक कंपाउंड्स होते हैं. अजाडिरैक्टिन कहाँ से ऑप्टेन होता है, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द
नीम, जो नीम का पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम ही है एरिडेक्टा इंडिका। उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, दैट इज एजाडीरैक्टिन। नीम की बात अगर हम कर रहे हैं तो नीम का आपको दूसरा नाम पता होना चाहिए, नीम का दूसरा नाम है दैट इज मार्गोसा। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशेंट है। आगे बढ़ते हैं, IGR के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट रिलीज करते हैं आउटसाइड देयर बॉडी। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखें आप, फेरोमोन्स आर सच केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म एक्सोजीनियसली, का मतलब है अपनी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस करते हैं। और काम क्या होता है? विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ अदर मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। ये जो चीज़ लिखी ना ओन स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो उसकी डेफिनेशन से ये बात पक्की हो गई कि फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो पर्टिकुलर इंसेक्ट अपनी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस करता है। और बाहर जाने के बाद ये केमिकल क्या करता है? आसपास के जो दूसरे मेंबर हैं, याद रखना दूसरे मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। ओन स्पीशीज़ का मतलब अगर हम जिसकी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं उसी स्पीशीज़ का ही होना चाहिए, पर दूसरा मेंबर, आइदर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी स्पीशीज़ का मेंबर होना चाहिए। उसके बिहेवियर को, उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करना, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन की पूरी डेफिनेशन में ये जो लास्ट की लाइन है ऑफ मेंबर्स ऑफ इट्स ओन स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेरोमोन्स एक तरह का हम बोल सकते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और ये वी कैन से केमिकल मैसेंजर्स, यानी ये इंसेक्ट के जो कम्युनिकेशन होता है, इंसेक्ट का जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है, पर्टिकुलरली केमिकल कम्युनिकेशन में अपना रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, अब फेरोमोन्स के टाइप्स देख लेते हैं। पर टाइप्स देखने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फेरोमोन टर्म किसने दिया है। द वर्ड, ये सबसे पहले फेरोमोन वर्ड्स कॉइन करा है दो लोगों ने करा था, दैट इज कार्लसन एंड बटेंडेंट इन द ईयर 1959। तो ईयर तो याद नहीं रह पाता, बट इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लसन एंड बटेंडेंट ने इनको कॉइन करा था, उन्होंने अपनी भी डेफिनेशन दी थी। और क्योंकि ये केमिकल्स जो हैं, फेरोमोन्स जो हैं केमिकल, ये इंसेक्ट अपनी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ वाई बाहर प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको एक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, कोई भी इंसेक्ट जो है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है, ताकि इसका जो रिस्पॉन्स है वो कौन रिसीव करे? इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। देखो यहाँ पे भी वही बात बोली, सेम स्पीशीज़, और ऊपर भी ओन स्पीशीज़, अपनी खुद की स्पीशीज़ पे या अपनी सेम स्पीशीज़ में ही ये वर्क करते हैं। ये है हमारे फेरोमोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेरोमोन्स होते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, जितने दिए हैं उतो उनको ही हम देख रहे हैं। चार टाइप्स दिए हैं, सिक्स फेरोमोन्स होते हैं जो बेसिकली रिप्रोडक्शन को स्लो डाउन करने के लिए होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। लाइक बेसिकली अगर मेल है तो मेल फेरोमोन्स रिलीज करेगा टू अट्रैक्ट फीमेल्स, या फिर वी कैन से फीमेल्स जो होती हैं वो फेरोमोन्स रिलीज करेंगे टू अट्रैक्ट मेल्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं फेरोमोन्स, सिक्स फेरोमोन्स। ठीक है, अब होता क्या है, बाई चांस अगर फीमेल्स का जनरली हम यूज़ करते हैं तो फीमेल्स में अगर सिक्स फेरोमोन्स रिलीज हो रहा है तो मेल्स अट्रैक्ट होंगे और कॉपुलेशन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। लेकिन आर्टिफिशियली हमने ऐसे फेरोमोन्स डेवलप कर लिए हैं जो सेम होते हैं, लाइक जो नेचुरल होते हैं उनके ही कॉपी होती है, और मेल्स जो होते हैं वो इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं इनकी तरफ, और मेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एज सच जो सिक्स फेरोमोन्स है वो किसी फीमेल ने प्रोड्यूस करा है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से आया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे हमारे पास हैं ट्रेल फेरोमोन्स। ठीक है, सच एक्टिवेट अदर्स टू फॉलो, ये फॉलो कराने के लिए होते हैं ट्रेल फेरोमोन्स। एग्रीगेशन फेरोमोन्स होते हैं जो एग्रेसिव नेचर प्रोड्यूस करते हैं। अलार्म फेरोमोन्स, तो डिफरेंट टाइप्स के फेरोमोन्स, बस इतनी हमको नाम पढ़ने थे, दैट इज सफिशिएंट। क्या होता है डेफिनेशन पता होना चाहिए, किसने शब्द दिया है फेरोमोन ये पता होना चाहिए। अब फेरोमोन के अंदर एक कैटेगरी आती है सेमियो केमिकल्स की, दैट इज सेमियो केमिकल्स। सेमियो केमिकल्स होते क्या हैं? दे आर दो सिग्नलिंग केमिकल्स। ये सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन डिटेक्ट इन इट्स एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बन रहे, इंसेक्ट के अंदर नहीं बने, ये एनवायरमेंट में मौजूद है,
और कैसा केमिकल है, सिग्नलिंग केमिकल, जो किसी भी इंसेक्ट को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को सिग्नल देगा कि उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। आगे तो सेमियो केमिकल एक तरह का सिग्नल केमिकल्स होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट में महसूस करता है, डिटेक्ट कर पाता है, विच में अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बिहेवियर और फिजियोलॉजी, जिसके आगे एनवायरनमेंट में उसने डिटेक्ट करा कुछ केमिकल मौजूद है, उसके कारण उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में, बिहेवियर में चेंजेस हो गए। सिंपल बात ये होती है, जैसे हम ह्यूमंस अपने आप को देखें तो हमारे आसपास बाहर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, उसके हिसाब से हमारा नेचर बदल जाता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। तो ये सेमियो केमिकल्स का इफेक्ट भी थोड़ा उसी तरीके का होता है। अब फेरोमोन्स में क्या होता है, और एक एलिलो केमिकल टर्म होता है। फेरोमोन्स टर्म हमने ऊपर डिस्कस करा, फेरोमोन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी से प्रोड्यूस होकर दूसरे मेंबर को, उसी स्पीशीज़ के, यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखना है, सेम स्पीशीज़ के मेंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे केमिकल्स हमको पढ़ने हैं, दूसरे केमिकल कंपाउंड, उनका नाम है एलिलो केमिकल्स। एलिलो केमिकल्स सेम स्पीशीज़ पे नहीं, ये बिटवीन द स्पीशीज़ पे वर्क करते हैं, द एक्ट बिटवीन द स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ नंबर वन है, ये स्पीशीज़ नंबर टू है, स्पीशीज़ नंबर थ्री एंड सो ऑन, ये इनके बीच में एक्ट करेगा तो एलिलो केमिकल कराएगा। एक स्पीशीज़ का मेंबर है, दूसरी स्पीशीज़ का वो दूसरा मेंबर, पर उस स्पीशीज़ सेम है, तो इनके बीच में अगर कोई केमिकल एक्ट करेगा दैट इज़ कॉल्ड फेरोमोन। ये एक बेसिक अंतर है फेरोमोन और एलिलो केमिकल्स का। अब आगे हमको एलिलो केमिकल्स के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है कि एलिलो केमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिलो केमिकल्स में हमारे आते हैं एलोमोन्स और कैरोमोन्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एलिलो केमिकल्स में, एलिलो केमिकल्स जो बहुत सारी स्पीशीज़ के बीच में काम करते हैं, एक्ट करेंगे, उनको हम एलिलो केमिकल्स बोलते हैं। एलिलो केमिकल्स के अंदर आपको क्या करना है, एलिलो केमिकल्स के अंदर आपको तीन तरह की लिस्ट पढ़नी है, तीन टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला टर्म आपको ध्यान रखना है एलिलो केमिकल्स, सॉरी एलोसोम्स, एलोमोन्स, एलोमोन्स। दूसरा आपको ध्यान रखना है कैरोमोन्स, के ए आई आर ओ एम ओ एन ई एस, कैरोमोन्स। और लास्ट में एक टर्म आएगा आपका, दैट इज साइनोमोन्स, ठीक है। तीन टर्म आपको ध्यान रखने, एलोमोन्स क्या होता है, कैरोमोन्स क्या होता है, साइनोमोन्स क्या होता है। एलोमोन्स को आप समझो, एलो माने होता है ऑटो, अभी ऑटो कोई टेम्पो रिक्शा वाला ऑटो नहीं है, ऑटो माने सेल्फ, अपने आप से, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में हम पढ़ते ना ऑटो, ऑटो का मतलब इंग्लिश लिटरेचर में होता है सेल्फ, अपने आप। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, इवन दो, यहाँ पे दो कैटेगरी होती हैं, जो उस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ द प्रोड्यूसर, और ये केमिकल जिस ऑर्गेनिज्म ने रिसीव करा दैट इज़ रिसीवर, प्रोड्यूसर एंड रिसीवर। तो ऑलो तो जो ऑलोमोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो रिलीज़ कर रहा है, यानी जिसने केमिकल को रिलीज़ करा है, वो केमिकल उस रिलीजर के लिए तो अच्छा है, बेनिफिशियल है, लेकिन सामने वाले के लिए जिस जो ये केमिकल रिसीव करेगा उस रिसीवर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वी कैन से उसके लिए न्यूट्रल है, ना कोई नुकसान ना कोई लाभ, न्यूट्रल कंडीशन। लेकिन जिसने जिस ऑर्गेनिज्म ने केमिकल रिलीज़ करा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वो खुद के लिए जब अच्छा होता है, ऑटो इन सेल्फ, तो ऑलो को ऑटो से याद रखना है, जो खुद के लिए अच्छा है वो ऑलोमोन्स होते हैं, ठीक है। जो केमिकल रिलीज़ करता है, रिलीजर या फिर प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, उसके लिए वो केमिकल अच्छा है, दैट इज़ ऑलोमोन्स। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म में, कैरोमोन्स क्या होते हैं। तो कैरोमोन्स इसका उल्टा कर दो, कैरोमोन्स में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया, एक प्रोड्यूसर है जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा और एक रिसीवर है जो केमिकल रिसीव कर रहा है। तो कैरोमोन्स जो होते हैं वो रिसीवर के लिए अच्छे होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कैरोमोन्स दूसरों के लिए अच्छे होते हैं लेकिन स्वयं के लिए अच्छे नहीं होते, अपने लिए जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ये हमारा ऑर्गेनिज्म वन है, ये ऑर्गेनिज्म टू है, ऑर्गेनिज्म वन ने कुछ केमिकल रिलीज़ करा, अब ये केमिकल जो रिलीज़ कराई ये हमारे सेकेंड ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है लेकिन जिसने रिलीज़ करा उसके लिए अच्छा नहीं है, दैट इज़ रिफर्ड एज कैरोमोन्स। स्वयं के लिए अच्छा है तो ऑलोमोन्स, दूसरों के लिए अच्छा है कैरोमोन्स। अब तीसरी कैटेगरी थी हमारी साइनोमोन्स। साइनोमोन्स क्या है, साइनोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो रिलीज़ कर रहा है उसके लिए भी अच्छे और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी अच्छे, यानी साइनोमोन्स में दोनों को प्लस कर देते हैं, ऑलोमोन्स और कैरोमोन्स दोनों का इफेक्ट होता है। यानी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ वन ने कुछ केमिकल रिलीज़ करा, ये केमिकल वन के लिए भी अच्छा है, दूसरी नंबर टू ऑर्गेनिज्म के लिए भी अच्छा है, तो ये हमारा कौन सा फिनोमिना हो जाएगा, दैट इज़ साइनोमोन्स। वन बाय वन एक बार बुक में क्या लिखा है उसको हम वर्ड टू वर्ड एक बार देख लेते हैं। तो मैनी एलो केमिकल्स एक्ट एज बोथ ऑलोमोन्स एंड कैरोमोन्स। कुछ एलिलो केमिकल्स में एलोमोन और कैरोमोन्स दोनों के बिहेवियर होते हैं, लेकिन अभी तक बुक में आपको ऊपर हमने पढ़ा नहीं है कि एलोमोन्स और कैरोमोन्स क्या हैं। तो एलोमोन्स मैंने आपको बताया, ऐसे केमिकल्स जो रिलीजर के लिए बेनिफिशियल होते हैं लेकिन रिसीवर के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं एलोमोन्स, ठीक है। और ऐसे केमिकल्स जो रिसीवर के लिए अच्छे होते हैं, विच फेवर्स द रिसीवर नॉट प्रोड्यूसर, दे आर नोन एज कैरोमोन्स, ठीक है। लेकिन ऐसे केमिकल्स जिसमें एलोमोन्स कैरोमोन्स दोनों आते हैं उनको बोलेंगे साइनोमोन्स, ठीक है। साइनोमोन्स कैसे केमिकल होते हैं, जो रिलीजर के लिए भी अच्छे हैं और रिसीवर के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। दो शब्द मैंने बोले, रिलीजर जो रिलीज़ करेगा और दूसरा है रिसीवर जो केमिकल को रिसीव करेगा, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो हमने साइनोमोन्स नाम दिया है। एलोमोन्स इज सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्टैक्ट विद एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज, क्योंकि हम सेमियो केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सेमियो केमिकल्स हमेशा दूसरे स्पीशीज़ के संग डील करते हैं, ये फेरोमोन्स की तरह नहीं होते कि अपने सेम स्पीशीज़ में वर्क करेंगे, ये दूसरे स्पीशीज़ के संग भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे सब वही बातें लिखी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कैरोमोन्स और फेरोमोन्स का, जो एलोमोन्स और कैरोमोन्स होते हैं उनका एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। तो यहाँ पे कैरोमोन्स की डेफिनेशन दी है, ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, दूसरे का बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और स्पेशली फेवरेबल होते हैं रिसीवर के लिए। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सपोज़ पहले हम एग्जांपल लेते हैं ऑलोमोन्स का। ऑलोमोन्स जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसका एग्जांपल्स है ऑर्किड्स। अगर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा है तो हॉर्टिकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल में पढ़ा होगा आपने, एक फ्लावर होता है ऑर्किड्स, बहुत सुंदर होता है, ये दिखने में ना थोड़ा इंसेक्ट की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑर्किड्स से बहुत ही एक ओडोर प्रोड्यूस होता है, बहुत अच्छी खुशबूदार ओडोर निकलता है, और ये ओडोर क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली मेल इंसेक्ट्स को, और ये मेल इंसेक्ट्स यहाँ पे आते हैं उस ऑर्किड के ऊपर बैठते हैं, इनको लगता है कोई फीमेल का ऑर्डर रिलीज़ हुआ है, तो ये आते हैं उसके हिसाब से, फीमेल ने अट्रैक्ट करा है करके फीमेल बुला रही है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ऑर्किड का फ्लावर ही होता है, तो ये मेल इंसेक्ट कन्फ्यूज़ हो जाता है, ऑर्किड की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो लाइक इंसेक्ट की ही तरह ही होती है और ये ऑर्डर रिलीज़ हो रहा है, तो मेल इंसेक्ट जो कन्फ्यूज़ होकर यहाँ पे आ जाते हैं इसके ऊपर बैठते हैं बहुत देर तक, फिर ये पता चलता है कि एक्चुअल में फीमेल नहीं है, फिर ये हट जाते हैं और फिर किसी दूसरे फूल के ऊपर बैठते हैं, तो इस वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑर्किड्स के लिए तो अच्छा है कि पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑलोमोन्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो खुद के लिए अच्छे हैं, तो ऑर्किड ने कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करे जिसने उसका पॉलिनेशन कराया, तो ऑर्किड्स के लिए तो अच्छे हो गए, लेकिन बेचारा मेल ऐसे ही यहाँ से वहाँ घूम रहा था, ठीक है, उसके लिए कोई इफेक्ट कैसा रहा, न्यूट्रल इफेक्ट रहा, तो ये ऑलोमोन्स का एग्जाम्पल हो गया। कैरोमोन्स की अगर हम बात करें तो कैरोमोन्स में क्या है, जो रिसीव करेगा उसके लिए तो केमिकल अच्छा होता है, ठीक है। तो कैरोमोन्स में एग्जांपल्स में हमारे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोनीफर्स प्लांट्स होते हैं ना, कोनीफर प्लांट्स होते हैं, उनमें अगर कोई बीटल्स आके बैठ जाए, उसको इंजर करे, उस इंजर वाले प्लांट से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, बेसिकली टर्पीन्स होते हैं, कुछ टर्पीन्स रिलीज होते हैं, और ये टर्पीन्स उस इंसेक्ट के लिए जो रिसीव करेगा उसके लिए अच्छा, लेकिन कोनीफर्स के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी जो थी हमारी, दैट इज़ साइनोमोन्स, तो जो साइनोमोन्स वाली कैटेगरी थी हमारी उसकी अगर बात करें तो साइनोमोन्स का एग्जांपल में क्या आता है, साइनोमोन्स में यही हमारे जो पाइन ट्रीज़ होते हैं इनमें भी कुछ क्या होता है, पाइन ट्रीज़ कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पैरासिटॉइड नेचर जो होता है, जो प्रीडेटर्स पैरासिटॉइड्स होते हैं वो भी एक्ट करने लग जाते हैं, जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो गया ये, और पाइन ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि पाइन ट्री अपने इंसेक्ट से बच जाएगा, तो ये साइनोमोन्स का एग्जांपल हो गया एक,
तो ये हमारा था एलोकेमिकल्स। अभी हमने क्या कैटेगरी पढ़ी, हमने दो कैटेगरी पढ़ी, फेरोमोन्स क्या होते हैं और एलिलो केमिकल्स क्या होते हैं। फेरोमोन्स सेम स्पीशीज पे वर्क करते हैं जबकि एलिमोन्स डिफरेंट स्पीशीज के बीच में वर्क करते हैं। एलिमोन्स को हमने, इसमें हमने सेमियो केमिकल्स पढ़ा था, सेमियो केमिकल्स में हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, ओलोमोन्स, कैरोमोन्स एंड साइनोमोन्स। ओके, अब यहाँ पे फेरोमोन्स की ही आगे जिक्र हो रहा है। फेरोमोन्स बताया गया कि फेरोमोन्स जो होते हैं बेसिकली, यहाँ पे टाइप्स बताए थे हमने, तो सेक्स फेरोमोन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फीमेल्स अगर प्रोड्यूस करती है तो दे आर यूज अट्रैक्टेंट्स, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। अगर फेरोमोन्स रिलीज होता है मेल के द्वारा तो वो कॉपुलेशन के लिए इंडिकेशन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के सेक्स फेरोमोन्स डिस्कवर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जिप्सी मॉथ, एक इंसेक्ट है, उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिस 7 होता है, 8 एपियोक्सी, 2 मिथाइल ऑक्टा डेकन, ये सेक्स फेरोमोन्स का एग्जांपल है। फेरोमोन बेसिकली दो तरीके से काम करते हैं, टू एक्ट एज यूज एज अ ल्योरिंग एजेंट। ल्योरिंग का मतलब क्या होता है, LUR, ल्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना बाय डिसीविंग समथिंग, किसी चीज़ को धोखे से अट्रैक्ट करना, ठीक है, धोखे से हासिल करना, दैट इज़ ल्योरिंग। या फिर जो नॉर्मल मीटिंग बिहेवियर, उसको ब्रेक करके भी हम फेरोमोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने जो फेरोमोन्स था उसके बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, दैट इज़ द अट्रैक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स। अट्रैक्टेंट्स और रिपेलेंट्स में क्या होता है, तो अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जनरली ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स से, लाइक हमारे जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं, और ये ऑयली नेचर के होते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स के नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और बेसिकली इनमें कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको किल कर देते हैं, ये हमारे होते हैं अट्रैक्टेंट या फिर रेपेलेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अट्रैक्टेंट्स की, एक यहाँ पे बेसिकली हमको तीन कैटेगरीज पढ़नी है, एक हमारे अट्रैक्टेंट्स हैं, दूसरे हमारे रेपेलेंट्स क्या होते हैं। अट्रैक्टेंट्स जो अपने तरफ खींच के किल करेंगे, रेपेलेंट्स जो अपनी तरफ आने ही नहीं देंगे, और एक होते हैं हमारी एंटी फीडेंट, यानी अपने आप को खाने ही नहीं देगी, यानी इंसेक्ट उनके ऊपर आएगा उनको खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनके अंदर एंटी फीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तीनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, अट्रैक्टेंट के एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो अट्रैक्टिंग एग्जांपल में आता है जुरेनियॉल, ठीक है, ये बेसिकली फ्लावर के ऑयल्स में प्रोड्यूस होता है। यूजिनॉल, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, UN नहीं होगा, ये UEU होगा, स्पेलिंग इसकी होगी UGENOL, यूजिनॉल। ये जुरेनियॉल, यूजिनॉल बेसिकली क्या होते हैं, वो टर्पीन्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, ऑयली नेचर के होते हैं, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है सिग्लूर, इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे होगी SIGLURE लगाना है लास्ट में। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं अट्रैक्टेंट्स के, याद रखिए कितने एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, जुरेनियॉल, यूजिनॉल, ठीक है, यूजिनॉल मेनली ट्रैप की तरह भी यूज़ होता है, यूजिनॉल जो हमारे इंसेक्ट ट्रैप्स होते हैं उसमें यूज़ होता है यूजिनॉल। सिग्लूर होता है, सिग्लूर बेसिकली मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये हमारे अट्रैक्टेंट के एग्जांपल हो गए, जुरेनियॉल, यूजिनॉल एंड सिग्लूर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपेलेंट, और रिपेलेंट का हमारे पास एक एग्जांपल है जो कॉकरोच रिपेलेंट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा नाम है, ये रिपेलेंट का एग्जाम्पल है। इथाइल एम टोलामाइड, देन 2-hydroxy-N-octyl सल्फाइड, ये हमारे कॉकरोच रिपेलेंट्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा केमिकल जैसे डी टी ए हो गया, अभी आप शॉर्ट फॉर्म्स ही याद कर लो, DTTA, फुल फॉर्म्स इसकी वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनकी एज सच फुल फॉर्म नहीं आती है, अगर आप किसी वैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, IFCO, NABARD या फिर EAO, AFO, तो एज सच ही फुल फॉर्म्स नहीं आती हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म्स ही काफ़ी रहता है, याद रखना। तो अब हम रिपेलेंट में तो एक एग्जांपल हो गया कॉकरोच रिपेलेंट का, अब दूसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई एंटी फीडेंट की, यानी इंसेक्ट उसको खाएगा नहीं या खाना ही पसंद नहीं करेगा, एंटी फीडेंट जो फीड करने से रुके, दैट इज एंटी फीडेंट। तो एंटी फीडेंट में वी हैव DTA,
ठीक है। डीडीडी के बाद हमारा आता है फैंटिन एसीटेट, जो कि एक तरह का फंजीसाइड के तौर पे भी यूज़ होता है और एज अ एंटीफिडेंट भी यूज़ हो रहा है। ये हो गया। इसके अलावा जो हमारे नेचुरल पायरीथ्रिन होते हैं, ये भी हमारे एंटीफिडेंट्स का काम करते हैं। तो एंटीफिडेंट में तीन बात ध्यान रखनी है, डीडीटीए एंटीफिडेंट है, फैंटिन एसीटेट है एंड नेचुरल पायरीथ्रिन, ये हमारे एंटीफिडेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एंटीफिडेंट्स क्या होते हैं? एंटीफिडेंट इज द सबस्टेंस विच इनहिबिट्स फ्रॉम द पेस्ट अटैक, ये पेस्ट को अटैक करने नहीं देते विदाउट किलिंग और रिपेलिंग द पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट को अपने पर अटैक ही नहीं करने देते, किल करना दूर की बात है, उनको रिपेल करना दूर की बात है, अटैक ही नहीं करने देते, बिकॉज ये एंटीफिडेंट होते हैं, इनका जो नेचर होता है उस पर उस तरह का होता है कि इंसेक्ट उनको खाएगा ही नहीं, ठीक है। तो दे आर नोन एज एंटीफिडेंट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फीडिंग डिटरेंट्स एंड रिजेक्टेंट्स भी बोला जाता है उनको, फीडिंग डिटरेंट्स एवं रिजेक्टेंट्स। डिटरेंस मतलब रोकथाम करना, रोकना अपनी तरफ आने से। द पेस्ट डाइज स्लोली ड्यू टू द स्टारवेशन, अब इंसेक्ट इन प्लांट्स को खाएगा नहीं, तो भूख के कारण स्टारवेशन के कारण वैसे ही वो मर जाएगा। द क्रॉप्स और एनी मटीरियल ट्रीटेड विद सच केमिकल्स आर बिकम्स एंटीफिडेंट, जिस क्रॉप्स को हम ट्रीट करेंगे एंटीफिडेंट के साथ दे आर नोन एज एंटीफिडेंट। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वी हैव यूज सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या यूज़ करा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। हमने यूज़ करा IGR, दैट इज़ इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जुवेनाइल हार्मोन और काइटिन इनहिबिटर्स, ओके। ये हमने पढ़ा था इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े फेरोमोन्स के बारे में पढ़ा और एलिलो केमिकल्स के बारे में पढ़ा। एलिलो केमिकल, फेरोमोन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है, और ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर में ही वर्क होता है, सेम स्पीशीज़ पे वर्क करता है। लेकिन एलिलो केमिकल्स डिफरेंट स्पीशीज़ पे वर्क करने वाले केमिकल्स होते हैं। एलिलो केमिकल्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेमियो केमिकल्स, यानी इसमें हमारी तीन कैटेगरीज थी, ओलोमोन्स, कैरोमोन्स एंड साइनोमोन्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने एट्रैक्टेंट, रेपलेंट्स और एंटीफिडेंट पढ़ा। एट्रैक्टेंट्स में हमने तीन एग्जांपल पढ़े थे, जुरेनियोल, यूजिनॉल, सिग्लूर, ये हमारे एट्रैक्टेंट्स हैं। रेपलेंट्स में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कॉकरोच रेपलेंट का, ये बहुत बड़ा सा नाम है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने एंटीफिडेंट देखा था, एंटीफिडेंट में भी हमने तीन देखे थे, DTA ये हमारा एंटीफिडेंट है, फैंटिन एसीटेट जो कि फंजीसाइड भी है, और नेचुरल पायरीथ्रिन, ये तीन हमारे एंटीफिडेंट है। एंड येस नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। तो बहुत बड़ा चैप्टर था, वीडियो अगर अच्छी लगी, चैप्टर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।